सो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ सर्कल सीरीज, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये देखो 2004 में हुआ है। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो जिसमें मैंने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, ये सब बताया है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वो जाके देखो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, देखो वायर है, ये सर्कुलर वायर है, हालांकि ये कुछ अंडा का शेप का हो गया, पर इसे समझना कि आप लोग सर्कुलर ही है, ठीक है। उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है। इसको बेंड करके, इसको मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके हम लोग रेक्टेंगल बना दिए। अब इसका रेडियस, अगर मान लो कि रेडियस जो है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, ये इसका लेंथ, इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ और सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे हम 22 बाई 7 लिख सकते हैं, और 7 6 42 होता है, 6 से कटा सकते हो, यहाँ पे 22 से याद रखना, तो 44 × 6 लिख देते हैं अभी के लिए, इसको आप चाहो तो इंटू कर सकते हो। यही बॉल मतलब यही तार को हम एक क्या शेप दे देते हैं, रेक्टेंगल का, जिसका जो लेंथ है और ब्रेथ का रेशियो है, ठीक है, जो साइड्स का रेशियो है वो 6:5 है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, 6x और 5x के रेशियो में है। यानी कि अगर इसको हम मोड़ें तो 6x + 6x 12x, और 5x + 5x 10x, यानी कि 22x, समझो। तो ये क्या हो जाएगा कि 22x हो जाएगा, 22x हो जाएगा, और इस ये 22x का वैल्यू कितना तार है, इतना तार ही हमें लगाना है, तो यहाँ 22 से आप कटा दोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12, x का वैल्यू सॉरी 6 कि 12, नहीं, x का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो एक्स का वैल्यू हमें पता चल गया, तो 12 में 5 से इंटू करेंगे तो 60 होगा, तो दिस विल बी द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। अब सबसे बड़ा वाला साइड क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला साइड ये हो जाएगा, 12 × 6 72। सो उम्मीद है समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।